नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गौतम स्पेशल स्टडी मटेरियल बाय अनिल कुमार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टॉप 500 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 9 आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। पार्ट 9 जो है आज आप लोगों के लिए है मॉक टेस्ट पेपर, जिसमें कि मैंने आज जो क्वेश्चन शामिल किए हैं वो वीडियो यूपी ट्रिपल एससी का जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनके क्वेश्चन मैंने आज जो है शामिल किए हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी एस एस सी लेखपाल, वीडियो, यूपी पी सी एल एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने जो है शामिल किए हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आज दोस्तों आप जो पहला क्वेश्चन है वो है पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो जो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो किनके बीच में लड़ा गया, तो क्वेश्चन नंबर 52 जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो सकता है, बाबर और लोधी के बीच में, अकबर हेमू के बीच में, अली रजा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, अकबर या फिर लोधी के बीच में। तो सबसे ज़रूरी है यहाँ पर आप जो है कि किसके किन किन के बीच में ये दो लड़ा गया। तो आप जो है देख सकते हैं कि पानीपत के किसी भी युद्ध में चंद्रगुप्त जो है नहीं थे, तो ये सी का ऑप्शन जो है पहले ही हट जाता है। तो अब देखिए इसका कौन सा सही उत्तर हो सकता है द्वितीय विश्व युद्ध में। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर यहाँ पर होगा पानीपत का दूसरा युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, तो जिसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को जो है लड़ा गया था। तो दोस्तों, मैं जो है अगले वीडियो में जो है पानीपत के जो जितने भी युद्ध हुए उन पर जो है, जैसे अकबर और बाबर इन सब पर जो इन लोगों ने जो जो युद्ध किए उसकी मेरे पास ट्रिक है यानी कि मैंने बनाई है, तो वो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी याद करने में। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की थी, तो कौन से वो जो है जो खिलाड़ी थे जिन्होंने जो है क्वालिफाई किया था, देवेंद्र सिंह या विजेंद्र सिंह या शिवा थापा, दिनेश कुमार। तो ऑप्शन 53 का जो है दोस्तों सही उत्तर यहां पर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि शिवा थापा ने जो है क्वालिफाई किया था ओलंपिक के लिए। अगला क्वेश्चन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के जनरल गवर्नर कौन थे। तो जनरल गवर्नर बताना है इनसे पहले कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड एरविन वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड मेमो, तो इन चार में से कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 54 का सही उत्तर होगा दोस्तों ए, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। तो और एक बात मैं दोस्तों बताना चाहूँगा इसमें जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी से जुड़ी हुई है वो ये है कि ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम और आखिरी जो है जनरल गवर्नर भी थे, तो इनके बारे में ये भी आपको याद रखना है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के, यहाँ पे आपको वर्ड पे जो है ध्यान देना है, स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम और आखिरी यानी कि अंतिम जनरल गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व यानी कि आयरन की कितनी मात्रा है, 20 से 22%, 25 से 27% या 40 से 42% या 32 से 35%। तो 55 का दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर होगा यहाँ पे डी, यानी कि 32 से 35% जो है समथिंग में है, अप्रॉक्सीमेट आप ले सकते हैं इसका, इतने परसेंट जो है आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है जनसंख्या बेस पे है,
कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या का जो है घनत्व जो है ओवरऑल यहाँ पे पूछा गया है, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, आपको ओवरऑल बताना है यहाँ पे कि जनसंख्या घनत्व क्या था। तो 56 का जो है सही उत्तर यहाँ पे होगा दोस्तों सी, 828 प्रति वर्ग मीटर जो है यहाँ की पॉपुलेशन है। इतने में यानी कि 1 किलोमीटर की जो एरिया है उसमें जो है 828 लोग जो है रह रहे हैं, ये कह सकते हैं आप घनत्व जो है इतने लोग रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, पृथ्वी जो है उसका अर्धव्यास कितना है, कितना होगा अर्धव्यास बताना है, त्रिज्या नहीं बतानी, यानी कि त्रिज्या का 2 टाइम्स अर्धव्यास पूछ रहा है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे व्यास नहीं, अर्धव्यास का मतलब यानी कि त्रिज्या ही पूछ रहा है, यानी कि हाफ कह रहा है। यहाँ पे जो है उसने क्वेश्चन को घुमा दिया, देखिए कैसे कन्फ्यूजन होता है। तो यही है एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करता है। तो पृथ्वी का अर्धव्यास की बात यानी कि त्रिज्या पूछ रहा है आपसे, रेडियस जो है वो पूछ रहा है, अगर व्यास कहता तो डायमीटर यानी कि पूरा पूछता। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है पृथ्वी की ये बतानी है, 5,999 किलोमीटर या फिर 6,371 किलोमीटर या फिर 6,990 किलोमीटर या फिर 9,666 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका 58 का सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों बी, यानी कहने का मतलब 6,371 किलोमीटर जो है आपके अर्धव्यास है यानी कि त्रिज्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, यानी कि लिंग अनुपात जो है मेल्स और फीमेल्स का रेशियो जो है सबसे ज़्यादा है वो यूपी का कौन सा स्टेट डिस्ट्रिक्ट है। तो क्वेश्चन 59 का यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो है दोस्तों डी, यानी गोरखपुर की जो है सबसे ज़्यादा जो है सेक्स रेशियो जो है सबसे ज़्यादा है वहाँ पर। तो अब ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो वो सबसे ज़्यादा जहाँ का लिंगानुपात है वो है आपका जो गोरखपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला, आपको ये बताना है कि जो गवर्नर का जो पद होता है वो इन चार में से किन्होंने जो है कभी भी यहाँ का कार्यभार नहीं संभाला है। तो कौन कौन से हैं, श्री चंद्रभान गुप्ता, श्री एचपी मोदी, श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, श्री बुरगुला रामकृष्ण राव। तो 60 क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर यहाँ पर है दोस्तों ए, श्री चंद्रभान गुप्ता जी ने कभी भी यहाँ का कार्यभार नहीं संभाला है। बाकी जितने 3 ऑप्शन हैं इन्होंने जो है यहाँ पे राज्यपाल रहते हुए अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, तो कौन सा वो आंदोलन था, पूर्ण स्वरोजगार आंदोलन था या फिर भारत छोड़ो आंदोलन था या डांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है या फिर खिलाफत का आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे दोस्तों करो या मरो यानी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि महिला दिवस जो है इंटरनेशनल वीमेंस डे जो है कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, 8 मार्च को, 8 अगस्त को, 5 सितंबर को या फिर 9 नवंबर को। तो दोस्तों 62 का यहाँ पे सही उत्तर होगा 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वीमेंस डे जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या बृहस्पति ग्रह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 63 का ए, कहने का मतलब मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राधाकांत देव ने। तो 64 का दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, 64 क्वेश्चन जो है राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और राधा राधा राजा राधाकांत देव। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों 64 का होगा यहाँ पे सी, आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित की गई किया गया, यानी कि वो किस सन में जो है इसे राजभाषा
बताया गया है। द्वितीय राजभाषा, प्रथम तो आप सभी को पता है जो कौन सी राजभाषा है हमारी, हिंदी है। और तो द्वितीय राजभाषा इसे कब लागू किया गया, 1986 में, 1982 में, 1989 में या फिर 1991 में? तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर यहाँ पर होगा दोस्तों सी, जो आपका 1989 में इसे जो है द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? वो कौन से स्थान है जो कि स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, बाकी जगह स्टील का निर्माण होता है? जमशेदपुर, झारखंड, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल, झरिया, झारखंड या फिर दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा 66 का दोस्तों, सही उत्तर होगा यहाँ पर सी, 66 का सही उत्तर है यहाँ पे। एक बार फिर से सही सी जो है ऑप्शन सही होता हुआ झरिया, झारखंड जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? वो कौन से लोका, इनमें से कौन हो सकते हैं? न्यायमूर्ति मिर्ज़ा मोहम्मद मुर्तला हुसैन, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल, न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा, न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा? तो दोस्तों 67 का यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो है सी, न्यायमूर्ति एन के मल्होत्रा जो है इसके सबसे सर्वाधिक इनका कार्यकाल रहा उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया? भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया? गया स्थित बौद्ध विहार से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, पटना स्थित संग्रहालय से या सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से? तो यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर से देखिए, आपका एलिमिनेशन मेथड जो है यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन में सब पता होगा कि ये कोलकाता और पटना, जो कोलकाता 68 जो क्वेश्चन है आपका, कोलकाता और पटना तो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो रहे हैं। उसके बाद जो है ए और डी बचता है, गया बौद्ध विहार से या सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो ये सभी को पता है कि जो कि अशोक स्तंभ से लिया गया था, तो ये इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु राशि दी जाती थी? तो कौन से उसमें थी, पाँचवीं कक्षा, आठवीं कक्षा, दसवीं कक्षा या फिर बारहवीं कक्षा? तो क्वेश्चन नंबर 69 का यहाँ पे सही उत्तर होगा दोस्तों डी, यानी डी होगा इसका सही उत्तर, बारहवीं पास करने पर जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस प्रवृत्ति स्थान की ऊँचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? कौन सा हो सकता है, दार्जिलिंग है, ऊटी है, शिमला, डलहौजी? तो क्वेश्चन नंबर 70 का यहाँ पे सही उत्तर होगा ऊटी की, जो है समुद्र तल से सबसे जो ऊंचाई है वो सबसे अधिक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक संतुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता समिति से, या फिर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, या फिर अयंगर समिति पर, या फिर ठक्कर आयोग पर? तो क्वेश्चन नंबर 71 का यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है इसे जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में सर्वाधिक वृत्त चित्र श्रेणी में किस ने ऑस्कर प्राप्त किया था या फिर किया? ए आर रहमान ने, आसिफ कपाड़िया ने, दीपा मेहता ने, आर बालकी ने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर बी, आसिफ कपाड़िया जी ने जो है ऑस्कर अवार्ड प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धा पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी की गई है? आपको ये बताना है कितने से बढ़ाकर कितनी की गई है, 200 से, 300, 300 से, 400, 400 से, 500, 500 से, 600? तो 73 का यहाँ पे सही उत्तर होगा दोस्तों बी, यानी 300 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 400 कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? सृजेश रविंद्रन को, या फिर अभिलाष मात्रे को, बबीता कुमारी या सतीश शिवलिंगम को?
तो ये क्वेश्चन नंबर 74 का यहाँ पे सही उत्तर होगा दोस्तों, ए श्रीजेश रविंद्रन को जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बाबरनामा बाबर ने लिखा, या फिर शाहजहां नामा शाहजहां नाम जो था मोहम्मद ताहिर के द्वारा, या हुमायूं नामा जो है हुमायूं द्वारा, या फिर तुजुके जहांगीरी जहांगीर के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 75 है उसका सही उत्तर होगा यहाँ पे दोस्तों वो है सी, 75 का सी जो है सही उत्तर है, हुमायूं नामा जो हुमायूं जो है ये मैच नहीं करता है, ये जो है इससे सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, वित्त आयोग के गठन से है, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से है, या फिर निर्वाचन आयोग के गठन से है। तो 76 का यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों बी, संविधान संशोधन प्रक्रिया से इसे ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से लिया गया है, किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है, यानी कि पूरा जो आपने वहाँ पर जो टाइप किया है उसे अगर पूरा आपको जो है सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर किसी को इसका आंसर पता है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बी, कंट्रोल ए जो है, कंट्रोल प्लस ए करेंगे आप जो है तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है बाइनरी संख्या 01 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा, तो ये डेसिमल आपको बताना है इसका क्या होगा 78 का यहाँ पे, तो इसका जो है सी है, इसका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा, 11 होगा यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है, PPP, FTP या URL EPF। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे डी, यानी 79 का डी जो है EPF जो है इससे संबंधित नहीं है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों, कि किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, रैम कहलाती है, CD-ROM कहलाती है, रोम कहलाती है, या CPU कहलाती है। तो इसका ये भी अधिकतर सभी को पता होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, यानी रोम जो है एक परमानेंट मेमोरी कहलाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने महत्वपूर्ण सुझावों को भी हमारे साथ साझा करें, और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।